प्लीज ना ठंडे दिमाग से सोचो, हमारे बारे में सोचो। हमारा क्या होगा, हमारी शादी होने वाली है। होने वाली है नहीं, होने वाली थी, लेकिन मैं इस मसले को खत्म किए बगैर तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या हुआ? कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। क्या बात है? क्या क्या मसला है? शादी ये कहना चाह रहे हैं कि आप शादी कर लें। शादी? आप चाहते मैं शादी कर लूं? आप चाहते हैं मैं शादी कर लूं? मेरी शादी चाह रहे हैं आप? ओ, शादी देखना चाह रहे हैं? सर 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 प्लीज सर, गिर जाएंगे सर। आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? मेरी शादी देखना चाह रहे हैं आप? शादी मैं जरूर करूं, लेकिन आपके कहने पर नहीं। जब मेरी मर्जी होगी तब करूंगा, उससे पहले नहीं। चाहिए। शुक्रिया। विशल से बात हुई? क्या कहती हो? सलमत नहीं माना। आखिर ये लड़का क्या हासिल करना चाहता है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है कि आगे जाने क्या होगा। विशल भी खामोश हो गई। अभी हम एक मुसीबत से निकलते नहीं है और दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। करता हूं मैं सरमत से बात। और अगर वो ना माना तो? फिर सुरैया और जहांगीर से बात करूंगा। अपनी इज्जत और बेटी की खुशियों को इस तरह उन्हें दांव पे नहीं लगाने दूंगा। बेटा तुम हक पर हो, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो ये जो दुनिया है ना, ये आपका काम देखती है और मुझे यकीन है कि तुम अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल कर लोगे। प्लीज मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मुझे फोर्स मत कीजिए। पहले उनकी बात सुन तो लो बेटा। ठीक कह रहे हैं भाई साहब। तुम सही कह रहे हो बेटा, तुम अपना नाम क्लियर कराने के लिए कोशिश जारी रखो। मगर बेटा देखो, तुम्हें आगे भी तो बढ़ना है ना। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे बॉस से मिलकर मैंने बात की है उनसे, वो कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। वो मेरा मसला सुनेंगे ना तो फौरन ही इनकार कर देंगे। नहीं नहीं,
तुम्हें उनसे सिर्फ मिलना है और कुछ भी नहीं। हो सकता है उनके पास तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता हो। अब इनकार मत करना बेटा, एक बार जाके उनसे मिल लो। ठीक है, मिलने में कोई हर्ज नहीं। मिस्टर शर्मा, साहिर सर आपको बुला रहे हैं। सर, साहिर सर, सर मुझे वसीम अंकल ने भेजा था आपसे आके मिलने। ऑब्वियसली, व्हाई एल्स विल यू बी हियर? वैसे भी इस ऑफिस में हर एक को इजाजत नहीं मिलती आने की। सर आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं? यू डोंट लुक वेरी फ्रेश। सर ढाई घंटे लॉबी में वेट करने के बाद कौन सा इंसान फ्रेश लग सकता है? तुम तो अभी से हार मान लो। लोग तो एक मौके के लिए जिंदगी भर का इंतजार करते हैं। सर मैं यहाँ फलसफे पर लेक्चर लेने नहीं आया। आई लाइक इट। हाँ सर जवाब, और हार्ड वर्किंग भी। लेकिन कभी कभी हाजिर जवाबी हार्ड वर्किंग पर भारी पड़ जाती है। एंड दैट इज व्हाई यू गॉट फायर्ड। आप इस बारे में कुछ नहीं जानते सर। यू रॉन्ग। मैं सब जानता हूं। सारे फ्रॉड्स, कमीशन्स, सब डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं सब जानता हूं। अगर आप मेरी कोई मदद कर नहीं सकते थे तो मुझे यहां क्यों बुलाया? मेरी बेइज्जती करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए? नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए। आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर ली। रॉन्ग अगेन। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। खुदा हाफिज। वेट। जॉब टेम्परमेंट। You know what it means? अपने अंदर जॉब टेम्परमेंट पैदा करो। You'll go far. Please, have a seat. Come on, sit down. I'm sorry. मुझे सब कुछ करना पड़ा। मैं जानना चाहता था कि तुम काम कर सकते हो कि नहीं। कैसा काम? तुम इस एड्रेस पर चले जाओ और हां, अपने गुस्से पर काबू रखो। तो जॉब वेट। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। आई एम सॉरी, रियली सॉरी सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। शादी के मामलात में ऐसे कैसे कोई कर सकता है? और वो सुरैया, सुरैया ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं भेजा।
तो अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा, अम्मी जी। बेटा, वो फूफो आ गई हैं। नहीं जी, मैंने तो पहले फैसला कर लिया था कि लाहौर जाके ना शादी से पहले ही डेरे जमा ले लें। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आपका सफर कैसा गुजरा? सफर? हाँ, सफर तो बहुत अच्छा गुजरा जी हमारा। और हमने हर स्टेशन से आपके लिए कोई ना कोई सौगात खरीदी, मगर आपा ट्रेन में झटके इतने लगे, इतने झटके लगे कि सारा खाया पिया हजम हो गया और आपकी सौगातें भी खत्म हो गई। बस लाहौर के ये नान चने बचे, मैंने सोच लिया था ये तो आप लोगों को जरूर खिलाने। और वैसे लाहौर पहुंचकर भी मुझे भूख लगती रही, फिर मैंने सोचा कि भाई घर जाकर भी तो कुछ ना कुछ खाना है ना। और आपा फिर ऊपर से लाहौर के खाने, आहा, क्यों बेगम? बस कर दे। शमसा भाई, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। हाँ, जी मैं करती हूँ। शमसा ये लेती जाना। सर वो मैंने घर के सारे मुलाजमीन को सर्वेंट क्वार्टर्स में भेज दिया है। आप भी वहीं चल जाएं। जी सर। आपका रेफरेंस ही इतना स्ट्रांग था, एजुकेशन और एक्सपीरियंस अगर कम भी होता तो जॉब मिल ही जाती। अपना पैकेज पढ़ लिया आपने? नहीं। ये लीजिए 80,000 सैलरी पर मंथ, 150 लीटर फ्यूल, कंपनी की तरफ से वेल मेंटेन्ड गाड़ी, मोबाइल अलाउंस और एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप। ये सब तो आजकल हाईली क्वालिफाइड लोगों को भी नहीं मिलता। बॉस ने आपका खास ख्याल रखने का कहा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। साहिर साहब आपके रिश्तेदार हैं क्या? जी नहीं। क्यों? यूं बस, कभी उनको किसी पर इतना मेहरबान होते हुए नहीं देखा। आपने अगर पैकेज पढ़ लिया है तो इस पर साइन कर दीजिए, फिर मैं आपको ऑफिस का राउंड करवा दूंगा। अच्छा सर, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज हैं। अरे इसकी क्या जरूरत है, बहरहाल फाइल में लगा लूंगा। ये ले उसी, नाश्ता कर ले। जी नहीं चाह रहा है। वसीम, आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो सब कैसे चलेगा? थक गया हूं शमसा इन शब रोज के उतार चढ़ाव से। अपनी बेटी की खुशी के लिए तो ये सब सहना पड़ेगा ना। मैं हर दुख बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, मगर अल्लाह ने इस अंधेरे को हमारा मुकद्दर बना दिया है। अंधेरा नहीं होगा तो उजाले की कदर कैसे होगी?
चलें बाहर चलें, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और आपा तो बार बार आपका पूछ रही थी, वो तो आ रही थी, मैंने ही उन्हें रोक दिया। आ जाए वसीम, हिम्मत करें। नहीं होता है विषय, मैं अब और झूठ नहीं भूल सकता हूं। वसीम, हमने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो अल्लाह भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। अम्मी, बाबा समद की जॉब लग गई है। सच? मेरी अभी बात हुई है, बहुत खुश है वो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अम्मी रोए तो मत प्लीज। मेरा ख्याल है ये जॉब साहिर साहब ने कराई होगी। हाँ सही कह रहे हैं आप, उन्होंने ही कराई होगी। वो अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं, अगर वो ना होते ना तो। अरे चलो अब ये खुशियां जीने का वक्त है, ऐसा करते हैं कि बार टेबल पर नाश्ता करते हैं। वाले आओ। चलो ठीक है, नाश्ता लेके आप चले। Impressive. सर ये शादी सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हो पाई है, आप ना होते ना सर तो हम तो कब के हिम्मत हार चुके होते। मुझे खुशी मैं आपके किसी काम है। सर शमसा खुद आना चाह रही थी लेकिन आपको तो पता है। I understand. इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सर मैं भी आपकी मसरूफियत को समझता हूँ लेकिन सर प्लीज थोड़ा सा वक्त निकाल कर जरूर आइएगा, सर हमें बहुत खुशी होगी। जी जी मैं जरूर आऊँ। अच्छा सर चलता हूँ। थैंक यू वसीम सर। नहीं इस बार नहीं। मालूम है। अल्लाह ताला तुम्हारी झोली खुशियों से हमेशा भरी रखे। अरे सरमद भाई आप यहाँ? कोमल आज के दिन तो बख्श दो मुझे। क्यों बख्श दूँ, एक ही दिन तो बचा है मेरे पास। फिर तो आपको वैसे भी सरमद भाई के पीछे भागना है, वो भी बेलन लेके। कोमल बैठ।